हेलो एवरीवन, वेलकम टू रिलायबल एकेडमी एंड माय नेम इज़ राहुल तिवारी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम पर हम बात करेंगे। तो सोलर सिस्टम में सबसे पहले हमें समझना होगा सोलर सिस्टम का निर्माण कैसे हुआ। तो सोलर सिस्टम का निर्माण जो है वह सूर्य से हुआ, और सौरमंडल का जो प्रधान है वह सूर्य है। सौरमंडल में 99.99% एनर्जी जो है वह या मैटर जो है वह सूर्य में निहित है। अब हम बात करेंगे सौरमंडल के जनक कौन है, ये क्वेश्चन एग्जाम में निकलता है। तो सौरमंडल के जो जनक हैं वो पोलैंड निवासी निकोलस कोपरनिकस हैं। सौरमंडल के जो जनक हैं वह पोलैंड निवासी निकोलस कोपरनिकस हैं। इन्होंने ग्रहों की भी खोज की है। क्वेश्चन यहाँ से तीन निकल कर आते हैं। सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहते हैं? तो सौरमंडल का जन्मदाता जो है वो है सूर्य। सौरमंडल की खोज किसने की? तो निकोलस कोपरनिकस ने की। और सौरमंडल के ग्रहों की खोज किसने की? तो एक से दो ग्रह बस छोड़कर सौरमंडल के सारे ग्रहों की खोज जो है वो निकोलस कोपरनिकस ने की। सौरमंडल जैसा एक ग्रह समूह है जो अंतरिक्ष में सीधा सौरमंडल जैसा दिखाई देता है, तो उसका नाम है प्लेनेमस। बात करते हैं हम सौरमंडलीय पिंड। देखिए, सौरमंडलीय पिंडों को 24 अगस्त 2006 में IAU इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, इसका जो सम्मेलन है वो चेक गणराज्य एक देश है यूरोप महाद्वीप का, और वहाँ का एक शहर है प्राग। तो चेक गणराज्य की कैपिटल प्राग में यह सम्मेलन हुआ था IAU। और इस सम्मेलन में ग्रहों की परिभाषा निर्धारित की गई कि ग्रह कौन से होंगे। और इसके पहले जो ग्रह हमारे चलते थे वह चलते थे टोटल 9, लेकिन जब ग्रहों की परिभाषा की गई तो प्लूटो को इसमें हटाया गया। तो अब वास्तविकता में जो ग्रह हैं वो कितने बचे हमारे पास? टोटल 8। अब ग्रहों की कुछ परिभाषाएं हैं कि यह ग्रह क्यों हटाया गया, कुछ नियम को यह या कुछ शर्तों को यह पालन नहीं कर रहा होगा इसलिए इसको हटाया गया। तो आइए हम उस पर चर्चा करते हैं। सौरमंडलीय पिंड, IAU 2006 के अकॉर्डिंग ग्रहों को 3 श्रेणी में बांटा गया है। प्रथम परंपरागत ग्रह, फिर बौने ग्रह और लघु सौरमंडलीय पिंड। आप सभी को मालूम है परंपरागत ग्रहों की संख्या जो कि 2006 के बाद अब बची है 8। बौने ग्रह और इसमें जो नवा ग्रह था उसको बौने ग्रह की श्रेणी में रखा गया है। उसके बाद लघु सौरमंडलीय पिंड का मतलब होता है क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु और उल्काएं। इन सब की हम क्रम से चर्चा करेंगे। परंपरागत ग्रह, इनकी संख्या वर्तमान में 8 है। और परंपरागत ग्रह क्या होते हैं आइए हम चर्चा करते हैं। तो वे ग्रह कुछ कंडीशंस अप्लाई करते हैं परंपरागत ग्रह जो 2006 में डिसाइड की गई हैं। पहला, सबसे पहले तो वह ग्रह जो
या जिन पर पर्याप्त गुरुत्वाकर्षण बल हो, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल होगा तो वह गोल स्वरूप धारण कर सकेंगे। उसके बाद किसी दूसरे ग्रह की कक्षा ना काटे। अभी हम कक्षा या क्लास की बात करेंगे कि क्लास क्या होती है। तो ग्रह दूसरे ग्रह की कक्षा को ना काटे। और तीसरा, उस ग्रह के आसपास अन्य ग्रहों की भीड़ भाड़ ज़्यादा ना हो। तो प्लूटो ऐसा लेकिन नहीं था, प्लूटो एक छोटा ग्रह था और छोटे ग्रह होने के साथ साथ उसके आसपास पिंडों की भीड़ भाड़ भी ज़्यादा थी और साथ में यह वरुण ग्रह की कक्षा को काटता था, इसलिए इसे ग्रह की श्रेणी का दर्जा समाप्त किया गया और शेष ग्रह जो बचे वो टोटल 8 हैं। आइए हम समझते हैं सोलर सिस्टम। सौरमंडल में प्रधान जो है वो क्या है? सूर्य। सूर्य से नज़दीक का जो ग्रह है उसको क्या कहा गया है? बुध। उसके बाद जो ग्रह है वो शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल। इसके बाद बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण, उसके बाद वरुण। तो आइए हम समझते हैं कि सौरमंडल के हिसाब से जो ग्रह हैं वह टोटल 8 हैं। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। तो सूर्य के सबसे पास का ग्रह कौन सा होगा? बुध। और सूर्य से सबसे दूर का ग्रह कौन सा होगा? वरुण। और जो ग्रह सूर्य के सबसे पास होगा उसका परिक्रमण काल जो है वह सबसे ज़्यादा होगा और जो सूर्य से सबसे दूर होगा उसका परिक्रमण काल सबसे दूर होगा। तो बात करेंगे सूर्य की परिक्रमा बुध सबसे पहले लगाएगा और वरुण सबसे बाद में लगाएगा। अब सूर्य के नज़दीक रहेगा तो उसका वेग भी ज़्यादा रहेगा, तो वेग के हिसाब से बुध सबसे प्रथम है और अंतिम है वरुण। चलिए बात करेंगे हम इन ग्रहों को दो श्रेणियों में बांटा हुआ है। पृथ्वी के पास वाले ग्रहों को हम कहते हैं आंतरिक ग्रह और बृहस्पति के बाद वाले ग्रह इनको कहते हैं हम वाह ग्रह, इनको कहते हैं इनर प्लैनेट और इनको आउटर प्लैनेट। ठीक, इन्हें पार्थिव ग्रह भी कहा जाता है क्योंकि ये पृथ्वी से सदृश रहते हैं, पृथ्वी के पास में, और इन्हें बृहस्पतीय ग्रह भी कहा जाता है। ये ग्रह भारी चट्टानों से बने हुए ग्रह हैं और यह हल्के ग्रह हैं। इन पर इनमें भी दो ग्रह हैं, इन पर गैसें ज़्यादा हैं और इन दोनों ग्रहों पर क्या है? बर्फ ज़्यादा है। तो आपको एक सिंपल वे में समझ में आई होंगी चीज़ें कि सूर्य के पास में ये सब ग्रह हैं और ये पूरा सोलर सिस्टम है। आइए हम बात करते हैं सबसे पहले बुध की। बुध ग्रह एक ऐसा ग्रह है जिस पर कोई उपग्रह नहीं है। फिर शुक्र, शुक्र पर भी कोई उपग्रह नहीं है। इसके बाद पृथ्वी, पृथ्वी पर एक उपग्रह है और वो है चंद्रमा। देखिए सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा, ये इन तीनों पर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है और उस वीडियो में मैं इन पर डिटेल में चर्चा आपसे करूंगा। अभी सिर्फ मेरा मकसद है कि आपको सोलर सिस्टम अच्छे से मैं समझा दूं, क्योंकि क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में निकल कर आते हैं, तीन इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं ये, सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा, तो इन पर एक अलग से वीडियो मैंने बनाई हुई है। पृथ्वी का एक उपग्रह, मंगल के दो उपग्रह हैं, एक है फीवोज
और दूसरा है डीवोस। बृहस्पति के जो उपग्रह हैं वो वर्तमान में 79 हो गए हैं, ये आप याद रखना, बृहस्पति के उपग्रह टोटल 79 हो चुके हैं। शनि के उपग्रह की संख्या 82, अरुण के उपग्रह की संख्या 27 और वरुण के उपग्रह की संख्या टोटल 14 है। तो यहाँ पे हमने देखा कि सौरमंडल के 8 ग्रह, उन 8 ग्रहों के सभी उपग्रह। तो बात करते हैं वे दो ग्रह कौन से हैं जिनके उपग्रह नहीं है, तो बुध और शुक्र। और सबसे ज़्यादा उपग्रह किसके हैं, तो आप यहाँ बृहस्पति आंसर मत कर देना, अब शनि के हो गए हैं और पृथ्वी का 1, मंगल के 2। तो सौरमंडल का जो सबसे बड़ा उपग्रह है वह किस ग्रह का उपग्रह है, तो सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह जो है वह बृहस्पति का है, ग्यानामिड। और सबसे छोटा उपग्रह तो वह मंगल का है, डीमोस। ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिस प्रकार सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है और सबसे छोटा ग्रह बुध है, उसी प्रकार सौरमंडल में सबसे बड़ा उपग्रह ग्यानामिड है और सबसे छोटा उपग्रह जो है वह क्या है, डीमोस है। और ग्यानामिड किस ग्रह का है, तो वह बृहस्पति का है। और डीमोस किस ग्रह का है, तो वह मंगल ग्रह का है। सौरमंडल में सबसे नज़दीक का ग्रह कौन सा है, सूर्य से नज़दीक का तो बुध, सूर्य से सबसे दूर का तो वरुण। अब बात करेंगे हम परिक्रमण और परिभ्रमण गति। यहाँ पे हम थोड़ा सा समझते हैं परिक्रमण और परिभ्रमण गति। तो यदि मान लो ये कोई ग्रह है तो इसमें एक एक्सेस होगी, एक्सेस मतलब होता है क्या, अक्ष। और एक इसकी क्लास होगी, तो क्लास मतलब होता है क्या, कक्षा। तो एक्सेस मतलब अक्ष और क्लास मतलब कक्षा। कक्षा में वह क्या करता है, सूर्य के चक्कर लगाता है, और एक्सेस मतलब अक्ष में वह स्वयं घूमता है। तो अपने अक्ष पर घूमना परिभ्रमण गति कहलाता है और कक्षा में घूमना परिक्रमण गति कहलाता है। तो अक्ष पर घूमना मतलब कि परिभ्रमण गति कहलाता है, कक्षा में घूमना मतलब कि क्या कहलाता है, परिक्रमण गति। इसे हम दैनिक गति भी कहते हैं, परिभ्रमण गति को। अपने अक्ष पे घूम जाता है तो परिभ्रमण गति। हम बात करते हैं इन ग्रहों में परिभ्रमण गति जो है सबसे ज़्यादा तेज जो है वो किसकी है, बृहस्पति की, 9.1। यह 9.1 घंटे में अपना पूरा चक्कर लगा लेता है। और सबसे जो स्लो गति है वो है शुक्र की, यह 243 दिन में एक चक्कर पूरा लगाता है। तो क्वेश्चन आ जाए परिभ्रमण गति सबसे तेज किसकी है, तो बृहस्पति की, और सबसे कम किसकी है, तो शुक्र की। अब परिक्रमण की बात करते हैं हम, तो परिक्रमण गति जो है वो बुध की सबसे तेज है और सबसे कम किसकी है, वो वरुण की है। तो हमने इस वीडियो में जाना कि सोलर सिस्टम क्या होते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं इन ग्रहों की कुछ विशेषताएं बताऊंगा और फिर हमारी अगली वीडियो जो रहेगी वह रहेगी पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा पर। तो धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू।